और पौड़ी में जिला अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत से जूझ रहा है। अस्पताल में बीते दो दिनों से एक्सरे मशीन ठप पड़ी है और जिससे मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मजबूरन बिना जांच के घर लौटना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया है। उत्तराखंड के पौड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन ठप पड़ा है। पिछले दो दिनों से ये एक्सरे मशीन ठप पड़ा है और बिना जांच के ही मरीज घर वापस लौट रहे हैं। अधिकारियों ने जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। कल आया था यहाँ पे, बच्चे का थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। कल भी बोला कि एक्सरे मशीन खराब है। सुबह भी आया पूछने के लिए कि मशीन ठीक होगी कि नहीं हुई। उन्होंने बोला टेक्नीशियन आ रखे बोल। फिर अभी आया तो बंद पड़ी हुई, नहीं आया कोई आने के लिए। कल से परेशान हूँ, बच्चे का टेस्ट नहीं होते तो मैं बाहर दिखाता हूँ उसको, टेस्ट से लें इसलिए बाहर नहीं दिखा पा रहा हूँ बिना एक्सरे के ही। हाँ डॉक्टर साहब ने कल बोला था कि एक्सरे वो लगा देते हैं कच्चा प्लास्टर। मैंने कहा सर जब एक्सरे तो प्लास्टर कैसे लगाएं। शाम से हमको जो भी मौसम को चेंज के कारण हमारा ट्रांसफार्मर खराब हुआ जो एक्सरे का, यूपीएस के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है। अभी हमने कंसर्न इंजीनियर से बात किया, एक नया यूपीएस लेके देहरादून से इधर निकल रहे। ये यूपीएस पौड़ी में उपलब्ध नहीं थे इसलिए हमने देहरादून से मंगवाया। कल दोपहर तक ये यूपीएस नया यूपीएस आ जाएंगे और एक्सरे का जो सुविधा है पौड़ी हॉस्पिटल में ये ठीक हो जाएंगे।